नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत मथुरा की खबर के साथ। अंतर्राष्ट्रीय योगा की धूम इन दिनों देश भर में दिख रही है। वहीं इसी कड़ी में मथुरा में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। जवानों ने बड़ी संख्या में पार्क में इकट्ठा होकर योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्ट्राइक वन कोर के जवानों ने बड़ी संख्या में मथुरा छावनी की परिसर की ट्रेनिंग पार्क में योग किया। सैन्य अधिकारियों, जवानों और उनके परिवार के लिए 19 से 21 जून 2022 तक अलग अलग जगहों पर 3 दिवसीय योग प्रशिक्षण कैप्सूल का आयोजन किया गया। इस योग स्थल में मथुरा में स्टेशन के अधिकारियों और समस्त परिवार के साथ भूतपूर्व सैनिकों और एनसीसी कैंडेटो ने भाग लिया। भारतीय योग संस्थान के एक प्रतिष्ठित योग विशेषज्ञ पंडित शशिकांत दुबे ने घुंगोरा सैन्य अधिकारी स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न आसनों, प्राणायामों और ध्यान तकनीकों का लाभ प्रदान करने सहित योग स्तर आयोजित किए। सभी सैन्य स्टेशनों और सैन्य क्षेत्रों में 5,000 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवारों ने इस कार्यक्रम में जबरदस्त रूप से हिस्सा लिया। हम सभी यहाँ एकत्रित हुए थे विश्व योगा दिवस के उपलक्ष्य में, और जो हमारी स्ट्राइक वन की सारी फॉर्मेशंस और यूनिट्स ने आज ये योगा दिवस मनाया। सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी के तट तक, राजस्थान के रेत से लेकर के लद्दाख की पहाड़ियों तक, और इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और आज जो हमारा ये थीम था, जल थल और नभ, तो हमने हर लोकेशन में जो है इस योग अभ्यास का कोई हर जगह पे जो है शुरू किया गया। धन्यवाद। झांसी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में योग किया गया। योग इस दौरान कई लोग इकट्ठा हुए। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम झांसी में विश्व योग दिवस के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विश्व योग दिवस पर ध्यानचंद स्टेडियम झांसी में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नंद गोपाल नंदी, कमिश्नर एसएसपी झांसी, विधायक गरौठा, महापौर रामतीर्थ सिंगल, जवाहर सिंह राजपूत, विधायक गरौठा मानवेंद्र सिंह और सीडीओ झांसी मौजूद रहे। उपचुनाव या कोई भी चुनाव, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केवल चुनाव के समय नहीं, आपने कोविड भी देखा था। कोविड में जब सभी पार्टियों के कार्यकर्ता शानदार एकांत रूम में, एयर कंडीशन रूम में शांति से बैठे थे, तो हमारे कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की मदद कर रहे थे। हम लोग हर वक्त काम करते हैं, जन कल्याण का काम करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश के अंतिम गांव तक पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। हम काम करते हैं, हमारी जीत सुनिश्चित। राहुल को परेशान किया जा रहा है, पीडी के माध्यम से जबरन दबाव बनाया जा रहा है, कांग्रेस ही कह रहे हैं, पूरा देश क्या कह रहा है। राहुल गांधी खुद ही एक परेशान आत्मा है, बस इतना ही कहेंगे। शाहजहांपुर में भी विश्व योग दिवस के अवसर पर कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पुलिस प्रशासन भी काफी एक्टिव नजर आया। पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारियों ने योग किया। शाहजहांपुर में 21 जून को विश्व योग दिवस के मौके पर जिले में कई जगहों पर योग किया गया। विश्व योग दिवस को सफल बनाने के लिए प्रशासन के अधिकारियों ने सभी तैयारियां की थी। पूरे जिले में जहां ग्राम पंचायतों और गांव में योग किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बड़े पैमाने पर पुलिस लाइन OCF ग्राउंड में लोग योग कर रहे हैं। OCF ग्राउंड पर DM उमेश प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव के अलावा सांसद अरुण सागर और अधिकारियों की टीम भी मौजूद रही, जिन्होंने इस दौरान योग किया। Bye.
जैसे कि आज इंटरनेशनल योगा डे है तो यहाँ पर सारे योगा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, सारे के सारे बहुत लोगों को इनवाइट किया है, प्लस सबको योगा की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि योगा कैसे कैसे हमारे आम जीवन में कितना अच्छा रोल निभाता है। योगा से जितने सारे आसन बताए गए हैं, कुछ सांस के लिए है, कुछ बीमारियों के लिए है, कुछ सिर्फ हेल्दी रहने के लिए है, तो योगा बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ये एक आउट ऑफ द एज ग्रुप का एक्सरसाइज है, इसे हर एज के लोग कर सकते हैं, इसके लिए कोई बैरियर नहीं है कि छोटा बच्चा करे या बूढ़ा ना करे, हर इंसान कर सकता है। तो मुझे लगता है योगा करना चाहिए, आपकी लाइफ और अच्छी हो जाती है। क्या नाम है आपका? शफाली तिवारी। गाजियाबाद के IMS कॉलेज में भी योग दिवस का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य पर पुलिस अधिकारियों के अलावा PW मिनिस्टर भी मौजूद रहे, उन्होंने योग किया। योग दिवस पर गाजियाबाद में बहुत से जगहों पर कार्यक्रम हुए, वहीं IMS कॉलेज में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर PWD मिनिस्टर जितिन प्रसाद को आना था, लेकिन कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। बता दें कि PWD मिनिस्टर जितिन प्रसाद और जिला प्रशासन ने योग कार्यक्रम आयोजित किया। आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल के साथ DM SSP ने योग किया। आज पूरे देश में, पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज ये मनाया जा रहा है बड़े भव्य तरीके से, और सभी जगह इसमें सामूहिक तरीके से मनाया जा रहा है। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ प्रतिभाग लोग कर रहे हैं। विभिन्न जनपदों में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण भी प्रतिभाग कर रहे हैं। आज यहाँ गाजियाबाद में IMS कॉलेज में ये मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे मैं सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि नित्य प्रतिदिन योग करें। योग करने के बहुत फायदे हैं, आपको दिन भर ऊर्जा बनी रहती है, शरीर स्वस्थ रहता है, और अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप हर क्षेत्र में बेहतर काम कर सकते हैं। महोबा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर छात्रों ने भी योग किया। भारी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए और 500 से ज्यादा अधिक छात्रों ने इस दौरान योग किया, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के महोबा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्कूली छात्रों ने योग का अभ्यास किया। इस दौरान ग्राम पंचायत सिजहरी के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बने खेल मैदान में 500 से अधिक छात्रों और शिक्षकों ने एक साथ योग किया। योग अभ्यास के दौरान ग्राम प्रधान नरेश राजपूत ने स्कूली छात्रों को प्रतिदिन योग करने से होने वाले शारीरिक फायदों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी को नियमित रूप से प्रतिदिन योग करना चाहिए ताकि शरीर स्वस्थ बना रहे। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि प्रतिदिन प्रत्येक विद्यालय में योगा और फिजिकल टीचर से स्कूली छात्रों और बच्चों को योग कराया जाना चाहिए। सिधरी गांव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्कूली छात्रों ने योग कराने के साथ ही उसके फायदे भी बताए। हाथरस में DRV इंटर कॉलेज में भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कई छात्रों ने इस कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। यूपी के हाथरस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर DRV इंटर कॉलेज में योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। योग दिवस कार्यक्रम में 2000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर उपस्थित रहे। साथ ही योग दिवस कार्यक्रम में जिला अधिकारी रमेश रंजन और पुलिस अधीक्षक विकास कुमार वैद, SDM और CDO भी मौजूद रहे। सर, देश में युवाओं के द्वारा जो अग्निपथ योजना लागू की गई है उसका विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान युवाओं का देश है, और देश के सच्चे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा हमेशा देश को आगे ले जाने का जो काम किया जा रहा है, हम सभी जानते हैं कि 2014 के बाद, चाहे 2014, 17, 19 और 22
जिस तरह से देश की जनता और प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के सुशील मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो कल्याणकारी नीतियाँ प्रदेश के अंदर लागू की गई हैं, देश के अंदर इसी तरह से सभी वर्गों को साथ लेकर काम करने का जो प्रयास किया जा रहा है, युवाओं के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना अग्निपथ के माध्यम से युवाओं को रोजगार भी मिले और युवाओं की जो कौशल है उसे आगे लेकर जाने का काम माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि विश्व योग दिवस के अवसर पर जहां देश के अलग अलग कोनों में योग दिवस मनाया जा रहा है, तो वहीं आगरा की सेंट्रल जेल में भी कैदियों ने योग किया। इस दौरान कैदियों में काफी उत्साह देखने को मिला। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में आगरा के अलग अलग जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने सबने इसमें हिस्सा लिया और योग किया। सेंट्रल जेल में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कैदियों ने योगा करके स्वस्थ रहने का संदेश दिया। ये एक कैदियों की तरफ से की गई अनूठी पहल थी, जिसका काफी ज्यादा प्रशासन की ओर से सराहना की जा रही है। देश भर में अग्निपथ योजना के विरोध में लगातार हिंसक घटनाएं देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में औरैया में भी पुलिस प्रशासन अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को लेकर काफी अलर्ट नजर आया। केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में बिधूना में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिधूना कोतवाली पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है। सोशल मीडिया ग्रुप पर उपद्रवियों ने प्रदर्शन करने और माहौल को बिगाड़ने के सूचना पर पुलिस अधीक्षक औरैया ने पूरे बिधूना को छावनी में तब्दील किया है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने पुलिस फोर्स को हाई अलर्ट कर दिया है। सुबह से ही सभी चौराहों और गलियों में फोर्स तैनात की गई है। जगह जगह बैरिकेटिंग लगाकर चेकिंग की जा रही है। आप हमारी स्क्रीन पर पुलिस की वो देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस गश्त लगा रही है चारों तरफ, किस तरीके से माहौल को शांत रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। लगातार देश में अग्निपथ योजना को लेकर जो हिंसक घटनाएँ सामने आई है, उसके बाद बिधूना में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिधूना में पूरी तरह से चौक चौराहों पर पुलिस का कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। किस तरीके से लगातार दुकानों से लेकर आसपास के इलाकों में पुलिस ने अपनी गश्ती बढ़ा दी है, गश्त लगा रही है लगातार, और किस तरीके से आसपास के माहौल को शांत रखने की पूरी तरह से पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। देश भर में अग्निपथ योजना के विरोध में लगातार जो प्रदर्शन बढ़ रहा है, उसको देखते हुए आगरा में 9 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जिसके बाद लगातार तेजी से जो है वो लोगों का आक्रोश भी फूटता हुआ दिख रहा है। अग्निपथ आंदोलन का असर ट्रेनों के परिचालन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सोमवार को जहां आगरा से गुजरने वाली 9 ट्रेनें निरस्त थी, तो वहीं मंगलवार को 6 ट्रेनें निरस्त की गई। तो अब कोटा पटना अहमदाबाद पटना समर स्पेशल, अवध एक्सप्रेस, पटना कोटा एक्सप्रेस, अजमेर सियालदह एक्सप्रेस के साथ 6 गाड़ियां निरस्त की गई है। आगरा रेल डिवीजन से गुजरने वाली ट्रेनों के नष्ट होने के साथ साथ कई गाड़ियां लेट चल रही है, जिसके चलते यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगरा कैंट आगरा फोर्स पर अपना आरक्षण लेस करने वालों का तांता लगा है। जनसंपर्क अधिकारी प्रशिस्त श्रीवास्तव के अनुसार जिन गाड़ियों को निरस्त किया जा रहा है, उन सभी गाड़ियों का रिफंड यात्रियों को दिया जाएगा। आगरा में शादी समारोह के दौरान लूटपाट की घटना को अंजाम दे डाला। बदमाशों ने दूल्हे के पिता के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। आगरा जयपुर हाईवे पर बारात में बदमाशों ने रुपए और जेवरातों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि किरावाली की तरफ से बाइक सवार बदमाश दूल्हे के पिता से बैग लूटकर
भाग गए लाखों रुपए की लूट होने से बारातियों में हड़कंप मच गया है। वहीं लूट की सूचना मिलते ही मौके पर मलपुरा पुलिस आ गई। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बागपत में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। वैदिक कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस दौरान कई अधिकारी मौजूद रहे। बागपत के बड़ौत नगर के जनता वैदिक कॉलेज में के मैदान में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस दौरान योगाचार्यों ने जीवन में योग के महत्व पर प्रकाश डाला। बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने भी इस योग दिवस के अवसर पर उपस्थित होकर सभी लोगों को नियमित रूप से योग करने की अपील दी। दरअसल जिला प्रशासन, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी और नेहरू युवक केंद्र के संयुक्त की देखरेख में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भव्य तरीके से मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह मौजूद रहे, जिन्होंने इस दौरान कहा कि जो काम हजारों वर्षों में हमारे ऋषि मुनि भी नहीं कर पाए, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया है। प्रधानमंत्री ने योग को पूरी दुनिया को समर्पित किया है और इसी कारण आज सारी दुनिया 21 जून के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाती है। आयोजन हुआ है योग शिविर का बड़ोस के अंदर, क्या है? देखिए, आज हम लोग 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं 21 जून को, और जैसा माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व को एक योग के प्रति किया है, राज्य स्तर पे भी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, आप लोगों ने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखा, और मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय सांसद जी ने, शासन सदस्य आई हुई नोडल अधिकारी साहब ने, और बड़ौत बागपत की जनता ने बहुत बड़े स्तर पर एक व्यापक, कम से कम 10-12 हज़ार लोगों ने एक साथ योग किया है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और योग की जो महत्वता है हमारे जीवन में, उसका जो प्रचार प्रसार है, उसकी जो उपयोगिता है, वो हम लोग लोगों के बीच ले जाना चाहते हैं कि लोग प्रतिदिन योग करें। ये कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, एक दिन की महत्वता नहीं है। हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में योग को अपने जीवन में आत्मसात करें, वही हमारी असली सफलता होगी। देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बागपत जिले का बड़ौत शहर में जनता वैदिक कॉलेज में इतने विशाल स्तर पर, जहां लगभग 10-12 हज़ार लोगों ने इस योग में प्रतिभाग किया। सबसे पहले तो मैं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को दुनिया को देने के लिए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जो काम हजारों लाखों वर्षों में हमारे ऋषि मुनि नहीं कर पके, और प्रधानमंत्री जी के प्रयत्न से वो सफल हुआ, और आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लगभग 200 देशों के लोग योग दिवस मना रहे हैं, योग कर रहे हैं। और आज का सबसे बड़ा संदेश ये है, अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में खुशी रहना चाहते हैं, परिवार के साथ खुश रहना चाहते हैं, समाज में खुश रहना चाहते हैं, इस देश का उन्नयन चाहते हैं, इस देश को पुनः विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, इसका एकमात्र उपाय अगर है तो हमें अपने ऋषियों की दी हुई हमें जो विद्या है, ये योग, ये आयुर्वेद, इनको लेकर के हमको आगे बढ़ना चाहिए। और हम लोगों को एक संकल्प लेना चाहिए कि भगवान ने हमको इतना बड़ा गिफ्ट दिया, इतना बड़ा तोहफा दिया मानव शरीर का, ये फिट रहने के लिए दिया है, हमें शरीर से फिट रहना है। और शरीर को फिट रखने के लिए बिना किसी संसाधन के, बिना किसी जो है साधन के, जगह के, बिना किसी पैसे के खर्चे के, अगर सबसे अच्छा तरीका अगर कोई है, और संग प्रत्येक अंग का अगर कोई व्यायाम और एक्सरसाइज है, उसको मैं योग कहता हूँ। यही हमारे ऋषियों की सबसे बड़ी शिक्षा है। आज के इस जो आयोजन हुआ है, इस आयोजन में जहाँ हमारे मुख्य अतिथि आए, नोडल अफसर जी आए हैं, अनिल कुमार जी हमारे सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव हैं, उनका मैं पूरे बागपत की जनता की तरफ से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे जिला अधिकारी श्री राजकुमार यादव जी और हमारे उनकी जो पूरी टीम है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। मीडिया के जितने बंधु यहां पर आज आए हैं, मीडिया के लोगों को सवेरे सवेरे उठना बड़ा कठिन काम होता है, आज इन्हें सवेरे उठ करके वो आए हैं, सब लोगों का उन्होंने इतना कवर किया है,
उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और जिन हजारों लोगों ने आज इस योग दिवस को बागपत को एक ऐतिहासिक दिन बनाया है, उन सब हजारों लोगों का, इस बागपत के लोगों का, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और उनको इस योग दिवस पर मैं बहुत बहुत उनको और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देता हूँ। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।